mathmath.com. Let's start with question number 1 of exercise number 7.1. The statement of this question is solve the following equations. In equations ko jo ke given equations hain inko humne solve karna hai. Solve ka matlab ye hota hai ki iske andar jo variable hai yani variable x hai x ki value ko humne find out karna hai. To is question ke first part ki taraf chalte hain. Dekh jaisa ki given hai 2 over 3 x minus 1 over 2 x is equal to x plus 1 over 6. इसमें हम इस तरह से करते हैं. सबसे पहले तो कि यहां पे हम इक्वेशन के दोनों साइड पर हम एलसीएम ले लेते हैं. तो इसका एलसीएम हमारे पास आ गया 6. यानी ये देखें यहां डिनोमिनेटर 3 है यहां डिनोमिनेटर 2 है. तो इन दोनों का एलसीएम जब लिया तो एलसीएम हमारे पास 6 आ गया. अब और 6 इस तरह से लिया क्योंकि 6 पर ये डिनोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर दोनों डिनोमिनेटर डिवाइड हो रहे हैं. यानी कि 6 को अगर 6 इज डिविजिबल ऑन 3 एंड 2 एज वेल. तो अब हम इस तरह से करते हैं कि यहां पे 6 को डिवाइड करते हैं 3 पर. इसका आंसर आएगा 2. 2 को यहां पे इस 2 के इस 2x के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारे पास आ गया 4x. उसके बाद हम 6 को डिवाइड करते हैं 2 पर. इसका आंसर आएगा 3. 3 को इस 1x के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 3x आ गया is equal to. अब यहां पे इन दोनों का एलसीएम हमने लिया है एलसीएम 6 आ गया. 6 इस x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 6x plus 1. अब क्योंकि यहां पे भी इसी तरह से होगा कि ये डिनोमिनेटर यानी 6 पर 6 डिवाइड होगा आंसर 1 आया. 1 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहां पे हमारे पास 1 आ जाएगा. अब नेक्स्ट स्टेप में ये 4x minus 3x is equal to x आ गया. सो x over 6 is equal to 6x plus 1 over 6. अब यहां पे हम इस तरह से करते हैं कि इस 6 को इक्वल साइन के दूसरे साइड पर ले जाते हैं. यहां ये 6 डिवाइड हो रहा था इक्वल साइन के साइड पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 6x plus 1 multiplied by 6 over 6. 6 6 के साथ कैंसिल आउट हो गया तो बाकी हमारे पास यहां पे बच गया x is equal to 6x plus 1. अब ये जो यहां पे ये x यहां पे प्लस में है ये इक्वल साइन के साइड पर आके माइनस में हो जाएगा तो ये आ जाएगा 6x plus 1 minus x. अब 6x में से ये x सबट्रैक्ट हो गया तो ये हमारे पास आ गया यहां पे 5x plus 1. यानी ये 5x plus 1 is equal to 0. अब यहां पे क्योंकि हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है सो ये हमारे पास आ जाएगा ये plus 1 इक्वल साइन के इस साइड पर आके minus 1 हो जाएगा और यहां पे x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी. अब 5 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं और 5 इक्वल के साइड पर आके डिवाइड हो जाएगा सो x की वैल्यू हमारे पास minus 1 over 5 आ जाएगी. इस तरह से जो इसके अंदर वेरिएबल x था x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है और इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है. अगर इसकी किसी भी जगह पर किसी स्टेप में आपको कोई स्टेप मिस हो रहा है या समझ नहीं आ रही तो आप क्वेश्चन मतलब हमसे कांटेक्ट करें. हमारा YouTube का चैनल अवेलेबल है आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आपको मिलती रहें. थैंक्स फॉर वाचिंग mathmath.com.